शुक्रवार को सौगधान चौक पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही उनकी मांगे पूरा नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की भी चेतावनी उन्होंने दी। महानगर पालिका की ओर से 1992 में यशवंत स्टेडियम के बाजू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मारक बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन 29 साल पूरे हो जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके विरोध में शुक्रवार को बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बहुजन समाज पार्टी कडून महानगर पालिकेने 1992 मध्ये ठराव पास केला, यशवंत स्टेडियमच्या बाजूला 2 एकर 40 डिसमिलवरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक बांधून देण्यासाठी प्रस्ताव पास केला महानगरपालिकेमध्ये। आज त्याला 29 वर्ष पूर्ण झालेत। या 29 वर्षामध्ये महानगरपालिकेने त्या जागेची लीज भरली नाही आणि स्मारकाला सुरुवात पण केलेली नाही। बहुजन समाज पार्टीनी आणि आंबेडकरी जनतेनी वेळोवेळी मोर्चे काढून निदर्शने करून महानगरपालिकेला आणि महाराष्ट्र शासनाला निर्देश दिले, चेतावणी दिली, परंतु आतापर्यंत यांनी कामाला सुरुवात केलेली नाही। म्हणून बहुजन समाज पार्टी इस वक्त उनके द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे इसके विरोध में तीव्र आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।